जयपुर में आज महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि यह यूनिवर्सिटी एमबीए और एग्रीकल्चर की फर्जी डिग्री वितरित कर रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्यार्थियों द्वारा मेन गेट को ताला लगाकर प्रदर्शन किया गया। कॉलेज के छात्र और छात्राओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगामी समय में आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या है? मेरा नाम परमवीर सिंह है। अच्छा, ये किसको लेकर आपने अभी हाईवे जाम किया था कॉलेज के, ये ताला जड़ा था उसको? हमारी डिग्री वैलिड नहीं पाई गई है। पिछले 10 साल से कॉलेज चल रहा है पर हमारी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं पाई। अभी WO के एंट्री हुए थे उनमें वैलिडिटी ना होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया। अगर आगे हम UPSC या कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो हम वो क्रैक नहीं कर पाएंगे इस डिग्री के साथ। तो हमने कहा कि हमको डिग्री वैलिड डिग्री चाहिए या गवर्नमेंट हमारा कॉलेज चेंज करो, इसलिए हमने ये धरना दिया था। फिर धरने में टीचर्स ने हमारे साथ बदसलूकी की, फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस वालों ने हमारे धरने को रोकने का ट्राई किया। इसलिए बाई चांस किसी गाँव वाले के पत्थर से पुलिस वाले का सर फूट गया तो पुलिस वालों ने हमारे भी लाठीचार्ज किया और लड़कियों के और लड़कों को पीटा गया और कॉलेज के स्टूडेंट्स को जबरन गाड़ियों में बिठाया गया। तो क्या इसमें मतलब महिलाओं को, जो लड़कियां हैं कॉलेज की, उनको भी लाठीचार्ज किया गया? उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। इनके पास लेडीज पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस नहीं, महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। ये सबसे बड़ा न्याय का उल्लंघन है। आपको किस तरीके से पता चला मतलब ये कॉलेज को नोटिस आया इसके डिग्री? हमारे पास दो नोटिस आते हैं। पिछले 2015 एग्रीकल्चर WO के एग्जाम, एडिशनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में इंटरव्यू में दो बंदों को वैलिडिटी न होने बाहर कर दिया गया। उनकी डिग्री 2015 में हो गई। उसके बाद हम हमारे चेयरपर्सन पवार सर से मिले, उन्होंने बोला कुछ मैं बात करूंगा पर हमें कोई अच्छा या सही हमको रिजल्ट नहीं मिला, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो जैसे कि अगर आपकी ये मतलब आप जैसे कि आपने कॉलेज के ताड़ा जड़ाया, ये हाईवे जाम किया, अगर फिर भी आपकी मांगे समय पर पूरी नहीं की जाए तो आप आगे क्या करोगे? हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।